नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। कई बार क्या होता है कि सीएनजी के बाटले में, सीएनजी सिलेंडर में गैस कम आता है और उसका सही मात्रा ये होता है कि हम मान के चलते हैं कि 220 का अगर प्रेशर है सीएनजी पंप पे तो 7.5 किलो गैस पूरा आता है। जिस सिलेंडर की वाटर कैपेसिटी 60 लीटर होती है, 60 लीटर का वाटर कैपेसिटी यानी कि सिलेंडर वह 12 किलो का है, उसमें 220 के प्रेशर पे 7.5 किलो गैस एग्जैक्ट आना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि उसमें गैस कम आता है, 6.5 किलो आएगा। 6.5 किलो से ऊपर आता है तो बाटले को कुछ ना कराएं, लेकिन 220 के प्रेशर पे अगर 6.5 किलो से कम आ रहा है तो उसको एक बार सर्विस साफ़ कराना ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये साफ़ और इसमें से कचरा निकल रहा है, ऐसे वाल रुक करके करना है। मतलब जैसे कुछ देर कर दिया फिर अगर साफ़ हो गया, रुक के करने से क्या होता है कि इकट्ठा हो जाता है। जब इकट्ठा हो जाता है तो उसकी सफाई बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। तो ऐसे रुक रुक करके अगर आप साफ़ करते हैं तो बहुत अच्छा साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद जो है, हाँ, इसको बाटले को उल्टा करते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। ये उल्टा सीधा ना पड़े, मतलब गलत तरीके से ना पड़े, नहीं तो वाल टूट जाता है या चूड़ी ख़राब हो जाता है कई बार। तो और चूड़ी ख़राब होने में की स्थिति में क्या होता है, कई बार ख़तरा भी होने का डर रहता है। तो काफ़ी संभल कर करें, क्योंकि सीएनजी है, इसमें हाई प्रेशर होता है और हाई प्रेशर होने के वजह से ख़तरा अत्यधिक ज़्यादा है। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अपने हाथ से करने का प्रयास ना करें, किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं। ये काम आम आदमी भी थोड़ा सा आसानी से नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए हादसा कभी पूछ करके नहीं होता है, हादसा तो अपने आप हो जाता है। और चूंकि सब स्पीड ज़्यादा होती है प्रेशर की, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है सेफ्टी, ठीक है। इस वजह से जो है आपके टंकी में गैस कम आता है। और अगर आप नए व्यूवर्स हैं और आप चाहते हैं कि अच्छी अच्छी ऐसी जानकारी मिलती रहे सीएनजी के बारे में, क्योंकि एक से बढ़कर एक मैं चीज़ों को लेकर के आता रहता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नया अपडेट जो है आप तक पहुँचता रहे। और वीडियो अगर समझ में आया हो तो एक बार लाइक मार दें। अब आपको मात्रा बता रहे हैं, जैसे कि हम बताए थे कि 220 के प्रेशर पे अगर है तो इसमें गैस 7.5 किलो आएगा। वहीं अगर 200 का प्रेशर है तो उसमें गैस जो आएगा आपका वो वहीं 7 किलो आएगा, 7 किलो 7.5 किलो। और अगर प्रेशर आपका मान के चलते हैं कि हमें 180 का अगर मिल रहा है तो गैस का जो मात्रा है वो आपको आएगा करीब 6.5-7, 6.5 से 6.25 ये आएगा आपका, 6 से प्लस जाएगा। और वही प्रेशर है 160 है तो 5.5 से 6। तो ये गैस का एक सही मात्रा होता है। गैस इसमें प्रेशर के अनुसार ही आता है। बहुत से लोग कंफर्म करते हैं या पूछते हैं कि हाँ ये गैस क्यों इतना कम आ रहा है, तो उसमें अक्सर यही होता है कि उसमें कचरा रहता है। और इंजन कभी भी सीएनजी से नुकसान नहीं करता है, पेट्रोल भी ड्राई है। जैसे कि एलपीजी का बर्नल आप देखेंगे घर में, गैस जो चूल्हा जलता है उसका बर्नल अगर आप देखेंगे तो कभी भी ड्राई रहता है। वैसे पेट्रोल पे भी चलने वाली गाड़ी का वाल अगर निकाल के देखा जाए हेड के पीछे से, तो वो ड्राई रहता है, सूखा रहता है। लेकिन वही चीज़ अगर सीएनजी से गाड़ी कंटिन्यू चलती है, लगातार चलती है, तो उस पे वाल पे ड्राई नहीं होता है। इसलिए वाल हेड का एकदम मुलायम ऑफ सॉफ्ट रहता है। इसका जो लुब्रिकेंट है वो अत्यधिक चिकना होता है। और इंजन के अंदर अगर चिकनाई जा रही है, खास करके वहाँ जहाँ पिस्टन फायर कर रहा है, जहाँ पे आग लग रहा है वहाँ पे चिकनाई पहुँच रही है आपके इंजन में, तो आप समझिए कि आपका इंजन ख़राब है या सही है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। वो चिकनाई बरकरार रहता है आपके वाल पे, आपका पिस्टन पे, पिस्टन के रिंग पे, और उसकी चिकनाई अधिक मात्रा में चिकना रहता है। जैसे कि आपको बता दें सीएनजी से जो इसमें से आयल निकलता है, कचरा निकलता है, इस चीज़ को आप एक जगह बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। घर का पंखा वंखा कई बार जो है रिपेयरिंग अगर कराएं, बैरिंग का, ग्रीसिंग वगैरह, तो इस सीएनजी के आयल को अगर वहाँ पे इस्तेमाल कर दिया जाए उस बैरिंग पे, तो वाकई में बहुत बैरिंग सॉफ्ट चलता है और काफ़ी लंबा टाइम तक चलता है। पंखा जल्दी आवाज़ नहीं करता बैरिंग वगैरह, और वो जो है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये चीज़ कभी आप आजमा कर देखें, सीएनजी का आयल कभी भी सिलेंडर वलेंडर अगर साफ कराते हैं तो थोड़ा सा आयल रख लें। और पंखा जब भी सर्विस वगैरह करवाएं, आप अपने इलेक्ट्रीशियन को इसको दें कि भाई थोड़ा सा आयल इसमें डाल दो,
और ये आयल आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई में कितना चिकना है। इसको कभी उंगली पर रख करके मसल के देखिए, जैसे मोबिल हम चेक करते हैं वैसे ही। और इसको लगाने के बाद आपका उंगली खुद इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, मतलब ये काफ़ी डिफरेंस हो गया है और इसमें चिकनाई अधिक मात्रा में पहुंच गई है। और इस सीएनजी के प्रेशर में वो चिकनाई मौजूद रहती है, जो आप गाड़ी जितना चलाते हैं, रन करते हैं, उतने ही मात्रा में आपके इंजन तक पहुंचता है। मुझे लगता है कि ये हमारी जानकारी आपको सही समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा टाइम दिया आप, धन्यवाद इसके लिए। आपने पूरा वीडियो देखा और हमारे चैनल को आप कंटिन्यू देखते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। जितना कहें कम है। और चलते चलते आपको ये बता दें कि अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, अगर अच्छा लगा हो तो। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।